तुम बस प्लीज मेरे साथ घर चलो प्लीज। ठीक है, एक शर्त पर चलूंगी। मैं तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार हूँ, अब प्लीज मेरे साथ घर चलो। क्या तुम अभी और इसी वक्त घर चल के सबको सब कुछ साफ साफ बता दो? जवाब दो, क्या तुम अभी सबको घर जाकर ये बता सकते हो कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? हाँ, मैं ये सब करने को तैयार हूँ। चलें। हर बार की तरह समरीन छाई रही। और मेरा आपका कोई रिएक्शन नहीं था? नहीं, इससे पहले वो कोई रिएक्शन देता समीन अपने बैग्स लेकर गेट से निकल गई। मेरा उसके पीछे पीछे उसे मनाने गया। तुम्हें लगता है कि वो ऐसे मानेगी? नहीं, वो कभी भी नहीं मानेगी। जितना मैं उसे जान चुकी हूँ ना, वो सिर्फ इसी शर्त पर वापस आएगी कि मेरा आप यहाँ आकर सब कुछ बता दे। Excuse me. अंकल, जुबैर अंकल, मेराब आप लोगों से कुछ कहना चाह रहा है। मेराब, मेराब बेटा, क्या कहना है तुम्हें? बख्त, आई एम सॉरी। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। मैं ये शादी समरीन यहाँ कैसे? यही सवाल तो मैं तुमसे पूछने वाला हूँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब बैठ के बात करते हैं। मेराब, आओ। कुछ बात करनी है तुमसे मुझे। थोड़ी देर भी मेरे बगैर नहीं रह सकते ना? ये सब क्या है समझ? क्या है? देखो, मैं सीधा साधा सा आदमी हूँ, मुश्किल बातें ना तो मुझे समझ आती हैं और ना ही करना। मेराब, हम कल बात कर सकते हैं? मुझे सुबह बहुत नींद आ रही है, वैसे भी सुबह होने वाली है। तो मुझे सबके सामने ला के खड़ा कर देती है, उन सबको एक शौक देने का कहती है, और मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ करने पर तैयार भी हो जाता हूँ। फिर आ जाता है तुम्हारा मंगेतर और तुम मेरे सामने उसके साथ हनीमून के प्लान्स बना रही होती और मुझसे एक्सपेक्ट करती हो कि मैं ये सब कुछ नॉर्मल समझूं। प्लीज मेराब, यू नो दिस, अगर मुझे उससे शादी करनी होती तो मैं कभी भी यहाँ नहीं आती। और क्या चाहते, मैं मम्मा और साले को बता दूं कि मैं मेराब की शादी तुड़वाने आई हूँ ताकि मैं उससे शादी कर सकूं? अगर मैं ये सब कुछ बता दूंगी तो उन्हें
कितना शौक पहुंचेगा? और वो जो वक्त उसके घर वालों को शौक पहुंचता वो? तुम्हें इतनी परवाह क्यों हो रही है उसकी? और वैसे भी उसके साथ जो कुछ भी होगा ना, उसकी जिम्मेदार वो खुद ही होगी। समरीन, हम दोनों के लिए असूल अलग क्यों है? फाइन, ऑलराइट, मैं सुबह तुम्हारे सामने मम्मा को फोन करके सब कुछ बता दूंगी। इस वक्त मुझे नींद आ रही है और मैं सोने जा रही हूँ। क्या हुआ, कौन है? टाइम क्या हुआ है? 5:30 हो रहे हैं। कमाल है, 5:30 हो गए शाम के। ऐसे लग रहे जैसे अभी सोया था। बेटा शाम के नहीं, सुबह के 5:30 बज रहे हैं। जरूर कोई गलत काम किया मैंने जिंदगी में जब तुम्हारी शादी में आया। सोने दो भाई, सर दर्द से चक्कर आ रहा है मेरा। अच्छा राफे, मेरी बात सुन। राफे, मुझे तुझसे बात करनी है यार। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यार। ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? क्या हो रहा है यार? मैं वक्त को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन आंखें देखी थी तूने उसकी, उसकी आंखों में आंसू थे यार। और तुझे पता है क्या क्या यार, वो कहती है कि अब उसने शादी मुझसे करनी है। तो बना बताओ, ऐसे होता है कभी? सब कुछ पहले से तय होता है ना, एकदम से कैसे हो सकता है ये सब कुछ? और वो समरीन, वो भी कुछ वहां पे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, खुदा की कसम। लेकिन तू तो समझ रहा है ना, बोल तो सही यार। देख, मैं ना अपने बाल नोच लूंगा। पहले विनिश के अब्बा ने मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ, मुझसे इतने मुश्किल सवाल ना कर। मैं वाकई में सर मार लूंगा दीवार में, मैं रो पड़ूंगा अगर अब तूने मुझे सोने ना दिया। सोने से बहुत नींद आ रही है, प्लीज। सो मच। अम्मी, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ? अम्मी मैं। हाँ तुम आगे बोलो। मैं साइमा से शादी करना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप उसकी अम्मी से बात करें। बेटा, उसकी अम्मी से तो मैं जरूर बात करूंगी, इसी बात की तो माहिर है। पहले बक के रिश्ते को इनकार करके हमें बेइज्जत किया, और अब भाभी अपनी बहन की बेटी हमारे गले में डालना चाहती हैं। नहीं अम्मी, कोई किसी को किसी के गले नहीं डालना चाहता। मैं साइमा से दिल से प्यार करता हूँ। और मैं दिल से ना कर रही हूँ, ये शादी हरगिज नहीं होगी। आई समझ? सब भाभी के साजिश है, सब समझती हूँ मैं। मेरे हीरे जैसे बेटे को तुम्हारे बाप की तरह घर जमाई बनाना चाहती हूँ, वो भी अपनी बेवा बहन का। अबे मैं कहाँ से बीच में आ गया, मैं तो सो रहा हूँ, मेरा नाम क्यों ले रहे हो तुम लोग? चुपचाप सो रहा हूँ, वरना टैक्सी करा के तुम्हें घर भिजवा दूंगी। लेकिन अम्मी मेरी बात समझनी। बस अंदर तुम्हारे मुँह से ये बात निकली ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन अम्मी आप मेरी बात। मैं ये कह रहा था। आप हमेशा से मेरे कमरे के दरवाजे पर आकर या तो खड़े होते हैं या फिर नॉक करते हैं, फिर इजाजत लेते हैं और फिर अंदर आते हैं। मैं आपकी बेटी हूं बाबा, आपको मेरी परमिशन की जरूरत नहीं है। हर बाप को अपनी बेटी के कमरे में आने से पहले इजाजत लेनी चाहिए। आप कहीं जा रहे? हाँ बेटा, वो मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ चेकअप के लिए, और सोच रहा हूँ वापसी में मैं फैक्ट्री होता हूँ। पापा इतने केयरलेस कैसे हो सकते हैं? अभी आपकी तबीयत ठीक कहाँ हुई है? बेटा मैं बिल्कुल ठीक। देखो आने वाले दिनों में तो फिर मुझे टाइम ही नहीं मिलेगा ना, और वैसे भी तो कुर्सी पे बैठना है थोड़ी देर के लिए, अजर साथ है, तुम फिक्र मत करो।
तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं बाबा। अगर कुछ चाहिए हो तो फोन करके मुझे बता देना। जी तुम्हारे लिए वो लेकर आऊं जो फैक्ट्री के बाहर कुल्फी वाला खड़ा होता था? ऑरेंज वाली? हाँ ऑरेंज वाली याद है, तुम बचपन में मेरे साथ फैक्ट्री जाया करती थी और फिर तुम मेरी कुर्सी पर बैठकर सारे मुलाजमों को कहती थी कि मुझे अफसर साहब बुलाओ और फिर तुम अफसर बनकर सब पर हुक्म चलाती थी और जैसी कुल्फी वाले की घंटी बजती थी और तुम अफसर से छोटी बच्ची बन जाती थी और मेरे कांधे पर बैठकर तुम वो और उस कुल्फी लेती थी, याद है ना? याद है बाबा। आप हमेशा कहते ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, कितना मना करते थे मगर फिर आखिर में जरूर दिलाते थे। तुम्हारी सेहत के लिए अच्छे लेकिन आज मैं जरूर लेकर आऊंगा, फिर तो तुम चली जाओगी ना, पता नहीं तुम्हें वहां ऐसी चीजें मिले ना मिले। देखो बेटा जब तक तुम यहां हो ना रोज मुझे कुछ ना कुछ कहा करो, मैं तुम्हें जरूर ला के दूंगा। अरे उठ जाओ लड़कियों, सुबह हो गई है बल्कि अब तो शाम होने वाली है, उठो उठो नेस्ती कहेंगी, उठ जाओ शाबाश, चलो साहब पिए कॉफी, आई गरम गरम। बारह मिस्ड कॉल्स, 15, 11 पर मोबाइल बजा क्यों नहीं? मैंने तो साइलेंट पे नहीं किया था। मैंने भी नहीं किया था। मैंने भी नहीं। जी मैंने किया था। आपने? जी मैंने। सोने से पहले अगले को बता के तो सोया करो कि कब फोन करना है। तुम लोगों की फोन की घंटियों ने मेरी जिंदगी अजीरन कर दी थी, मैंने उठ के साइलेंट पे किया है। आप जानती हैं? राफे एसन, नाम तो मुझे नहीं पता लेकिन जब तुम समझती हो ना कि मैं सो गई हूँ उस वक्त तुम और तुम्हारा फोन जाग जाते। खाला प्लीज अम्मी को मत बताइएगा, मेरी जान निकाल देंगी वो। अरे बेटा ये बड़ों के झगड़ों की वजह से तो मैं यहाँ बैठी हूँ, बस मैं तो ये चाहती हूँ तुम लोग जहाँ जहाँ चाहती हो ना वहाँ तुम लोगों की बात बन जाए, मगर तुम लोगों की माओ को तो ना अल्लाह ही अकल दे तो दे। अरे वाह मुन्नी पप्पू, आप तो हमारी साइड पर निकली। मैं तुम लोगों की साइड पे भी हूँ और साथ भी दूंगी, देखना कैसे फटाफट बात बन जाएगी तुम लोगों की। बस तुम लोगों के साथ वो ना हो जिससे मैं गुजरी थी। समरीन यहाँ बैठा हूँ मैं। जानती हूँ पर हम बाद में बात कर सकते हैं, इस वक्त बहुत लेट हूँ। नहीं मुझे अभी बात कहो। मैं कल सब कुछ बताने वाला था, अगर तुम चाहती हो ना तो मैं सब कुछ आज भी बता सकता हूँ। तुम्हें पता है उसने मुझे कितनी तकलीफ पहुंचाई? मेरा मामला ना वक्त के साथ बहुत पर्सनल हो गया है। जब तुम वो सब कुछ बताने वाले थे उसे, उसके चेहरे पे वो लुक देखी थी, उसकी आंखों में आंसू थे और वो देखकर कल रात मुझे बहुत अच्छी नींद आई। मैं चाहती हूँ कि अगर तुम उसे किसी स्पेशल ओकेशन पे ही सरप्राइज दो, ये सब कुछ बताने का आई एम श्योर तुम मेरी मोहब्बत में इतना तो कर ही लोगे ना। कल तुम्हारा मंगेतर ना मेरे सामने तुम्हारा हाथ पकड़ रहा था, बहुत प्यार मोहब्बत की बातें हो रही थी तुम दोनों के दरमियान, मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगा। अच्छा मैं भी बर्दाश्त कर रही हूँ ना,
अच्छा ना लगते हुए मैं भी बहुत कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ, ठीक है? तुम भी कर लो। देर नहीं हो गई अम्मी? ये तुम काफी बार कह चुके हो। तीन बार मैं जा चुकी हूँ, हर बार कहती हैं कि तुम दोनों जाकर बैठो, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। अब ना तो मैं उनको जबरदस्ती यहाँ ला सकती हूँ और ना ही वो मुझे अपने पास रुकने दे रही है। अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो मैं दूसरी टेबल में जाकर बैठ जाती हूँ। मैंने ऐसा कब कहा? तो पर क्या कहना चाह रहे हो, साफ साफ कहो। देखिए मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि मैं और समरीन। हाँ हाँ पता है तुम और समरीन एक दूसरे से प्यार करते हो, मर रहे हो एक दूसरे के साथ होने के लिए। अगर इतनी मोहब्बत है ना तो अपने अंदर हिम्मत पैदा करो और जाके बता दो अपने माँ बाप को उसके बारे में। देखिए मेरी बात सुने। नहीं तुम मेरी बात सुनो, जिस लड़की की वजह से कल रात को तुम सबके बीच में खड़े होकर सब कुछ बताने वाले थे, क्या किया उस लड़की ने तुम्हारे साथ? अपना मंगेतर लाके खड़ा कर दिया तुम्हारे सामने। चलो ठीक है तुम्हें मेरे बाबा का एहसास तो नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारे माँ बाप को कितना दुख होता ये भी तुमने समीर की वजह से नहीं सोचा। उसने तुम्हें कहा कि मैं तुम्हारा इस्तेमाल करूं, लेकिन अगर यहाँ पर कोई किसी का इस्तेमाल कर रहा है ना तो वो समरीन है जो तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। तुम्हारा मसला मैं नहीं समरीन है। वो मेरा मसला नहीं, मोहब्बत है मेरी। वो तुम्हें बेवकूफ बना रही है और तुम बेवकूफ बन रहे हो। क्या तुम यकीन से कह सकते हो कि समरीन अपने मंगेतर से मोहब्बत नहीं करती या ऐसा मोहब्बत का नाटक नहीं करती जो तुम्हारे साथ कर रही है? समरीन उन लड़कियों में से है जो अपने ऑप्शंस खुले रखती हैं, चाहे किसी को कितना भी बड़ा नुकसान पहुंचाए। अब आप समरीन के बारे में एक लफ्ज नहीं कहेंगे, पूरा भरोसा है मुझे समरीन पे। सुनो जहां तक तुमने तुम दोनों के बीच के भरोसे की बात की है ना तो पीछे मुड़ के देखो जरा, तुम्हारे भरोसे की धज्जियां उड़ा रही है।